हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सलवार को सिलना सिखाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने कटिंग इसकी पहले से ही कर रखी है, मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है। आप चाहे तो देख सकते हैं कि 4 मीटर कपड़े में सलवार की कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने कली को लिया है और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे। फिर हमें क्या करना है कि पार्ट को लेना है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर दूसरी कली को लेंगे, तो इसको भी हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है बिल्कुल एक बराबर और सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने एक पार्ट में 2 कली को सिल लिया है। देखिए इस तरह से एक पार्ट में हमारी 2 कली सिली जाती हैं, ठीक है। और दोस्तों सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में देखिए 2 कली सिली हैं। देखिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आसन सिलेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों पल्ले को मिलाना है अच्छे से बिल्कुल एक बराबर, और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आधा इंच का मार्जिन छोड़ के फिर हम यहाँ पर दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर करेंगे। और यहाँ पर हमें दूसरे आसन को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने आसन को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को लिया है और जहाँ पर हमारी ओपन साइड है वहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 2 इंच पर इस तरह से कट लगाया है तो उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से हमें यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से सलवार को सिला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऊपर से 2 इंच तक फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर बेल्ट को बराबर करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। ये वाला हिस्सा हमारा आगे वाले आसन पर रहेगा और ये दूसरा वाला हिस्सा हमारा पीछे वाले आसन पर रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सलवार को लेंगे और सलवार में पीछे की तरफ 2 प्लेटें डाल लेनी है। पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे की तरफ 2 प्लेटें डाल ली हैं। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे। और यहाँ पर हम 7 इंच पर कट लगाएंगे, यहीं से प्लेटें डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चौड़ी चौड़ी प्लेटें डाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सलवार का घेर है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमने 4 मीटर कपड़े में सलवार की कटिंग करी है, ठीक है। तो इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेटें डाल लेनी है। और यहाँ पर जो हमारा प्लेट का डायरेक्शन है वो हम अपनी तरफ रखेंगे सबसे पहले।
और दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा आसन आ चुका है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे प्लेट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पर प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो कटा है यहीं तक हमने पलेटें डाली हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी कुछ इस तरह से पलेटें सिली हैं, और यहाँ पर देखिए जो हमारी बेल्ट और जो हमारा सलवार में गुलाई है वो देखिए एक बराबर बैठ रही है। तो अब हम इसको सलवार में सिल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आगे वाला आसन है उसको हमें यहाँ पर रखना है, और जहाँ से हमारी डोरी डाली जाएगी वहाँ पर हमारी जो सिलाई है उसको हमें इस तरह से दोनों सिलाई को इस तरह से मिला के रखना है, ठीक है। देखिए इस तरह से, और रखने के बाद हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी सलवार में इस तरह से बेल्ट को सिल लेंगे। और यहाँ पर हमारी जो दूसरी वाली सिलाई है वो हमारी पीछे वाले आसन पर आनी चाहिए, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें मिलाते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने सलवार में बेल्ट को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे इस तरह से एक डाब सिलाई लगा लेते हैं पूरी गुलाई में। हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पौंचे सिलेंगे। तो पौंचे बनाने के लिए यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी ली है, और इस बुकरम की पट्टी की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब हम इसको कपड़े पर इस तरह से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर सलवार को लेंगे, और सलवार को हमें सीधा रखना है। फिर हम यहाँ पर पट्टी को लेंगे और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, और यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। Oh, oh, oh.
तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है और इसमें हम क्या करेंगे, डिजाइन बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डिजाइन को भी बना लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पोंचा तैयार करा है। तो अब हम यहाँ पर इस पोंचे को बराबर करेंगे और यहाँ पर जो हमारी पोंचे की चौड़ाई है वो हम 6 इंच रखेंगे, देखिए इस तरह से। तो 6 इंच पर हमें सिलाई लगानी है, एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। देख सकते हैं कि हमने सिलाई को लगा लिया है, साइड में हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी सलवार है वो सिलकर तैयार हो गई है और ये सलवार हमने 4 मीटर कपड़े में बनाई है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं विनती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।